नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ से ही ईश्वर की कृपा से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइजीरिया में बैंक्स के बारे में। यहाँ पे बैंक काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बोलूँ तो भी डिफरेंट होते हैं। क्यों? मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं सऊदी अरेबिया और बहरीन में भी रह चुकी हूँ, वहाँ पर भी मुझे बैंक का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिला, ना ही इंडिया में तो है ही नहीं वैसा। हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है, आपका एक बिल्डिंग में बैंक होता है और उसका एक नॉर्मल डोर होता है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, और वहाँ पे आप अलाउड नहीं होते टोबैको और ये सब चीज़ें खाने के लिए अंदर, और या तो आप वेपन्स नहीं लेके जा सकते हो अंदर। यहाँ पे भी ये रूल्स तो हैं, बट उसके साथ एक और चीज़ है, वो ये है कि इनका डोर नॉर्मल जो आप बैंक का डोर देखते हो ना, ग्लास डोर या कैसा भी डोर जो उनका होता है, वैसा नहीं होता है। इनका डोर एक नॉर्मल आप जैसे बोलो शेल जैसा डोर होता है, और उसको सिक्योरिटी गार्ड प्रेस करेगा तभी वो ओपन होता है शेल, और उस शेल में वन टाइम में 1 पर्सन ही जा सकता है। यहाँ से एक बंदा ने एंटर किया और फिर वो शेल ओपन होगा बैंक की तरफ, जब आपका बैंक का काम पूरा हो जाएगा तो उधर से उनका जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड या कस्टमर सर्विस पे जो भी होगा वो बटन प्रेस करेगा, फिर वो शेल खुलेगा, आप उस शेल में जाओगे और फिर वो शेल बाहर की तरफ वाला जो डोर है उसकी तरफ खुलेगा। इस शेल में एक बार में एक ही बंदा जा सकता है, दो लोग इस शेल में नहीं जा सकते हैं। मैं इस शेल का एक छोटा सा वीडियो भी डाल दूंगी इस वीडियो में कहीं पे। हम बैंक गए थे और आपको पता ही है बैंक में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, जब अभी बैंक से बाहर आ रहे थे तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, वो मैं डाल दूंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जब से कोविड आया है यहाँ बैंक में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो हो रहे हैं, सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेक तो हो ही रहा है, साथ में उन्होंने बैंक में अंदर फ्लोर पर स्टिकर्स लगा रखे हैं डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड विच इज़ वेरी गुड, दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग। क्योंकि जब यहाँ पे कोविड शुरू हुआ था ना तो बैंक में सबसे ज़्यादा केसेस आने के चांसेस हो रहे थे और आए भी थे। अब एक और चीज़, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे यहाँ पर होता है BVN नंबर, दैट इज बैंक वेरिफिकेशन नंबर। इस नंबर के बिना आप कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आधार कार्ड है आपका, पैन कार्ड है, बहुत सारे आपके नंबर्स हैं ना, वैसे यहाँ पे भी ये आपको एक वेरिफिकेशन नंबर देता है जो आप किसी भी बैंक के थ्रू जनरेट करा सकते हो। लेट्स से मेरा बैंक किसी XYZ अकाउंट में है, मैंने वहाँ पे जब मैं अकाउंट खोलने के लिए तब तो मेरा BVN नंबर था नहीं, तो पहले उन्होंने मेरा BVN नंबर का रजिस्ट्रेशन कराया। वैसे तो इस पर दिखाता है ऑनलाइन कि आप उसको ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं नहीं कर पाई ऑनलाइन, तो मुझे पर्सनली बैंक ही जाना पड़ा, वहाँ पे उन लोगों ने करवाया। अच्छा, अब आपका लेट्स से अगर एक बैंक आपका रजिस्टर करा देता है BVN नंबर और आप दूसरे बैंक में भी जाते हो कि मुझे जी यहाँ पे भी अकाउंट खोलना है, तो क्या वो BVN नंबर वहाँ काम करेगा? यस, आप एक बंदे के लिए सिर्फ एक ही BVN नंबर होता है और ये बहुत सिक्योर्ड नंबर है, इसको आपको किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना है। कई बार यहाँ पे भी फ्रॉड कॉल्स आती हैं कि शेयर योर BVN नंबर और आपके बैंक अकाउंट में ये हो गया, क्योंकि सिर्फ BVN नंबर से आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। तो अगर आप नाइजीरिया आ रहे हैं, यूजुअली पहले ऐसा होता था कि जब कंपनीज लोकल करेंसी देती थी एम्प्लॉयज़ को तो वो कैश भी देती थी, बट आजकल मैक्सिमम कंपनीज बैंक अकाउंट में ही दे रही है, एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट खुलवाओगे तो आपको BVN नंबर मैंडेटरी है, उसके बिना आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, आप कुछ भी कर लो। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।